पिछली बार आपके गाने सुनने मिले थे पर आपको देखने नहीं मिला था एंड इस बार आपके फिर से दोबारा गाने सुनने मिलने वाला है। क्या कुछ नया होने वाला है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें नया यही होने वाला है कि इसमें लेजेंडरी सिंगर्स जो हमारे हैं और जो लेजेंडरी म्यूज़िक रहा है 90s का, आप जानते होंगे कि 90s के भी स्पेशल रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं और दादा बार बार वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, 90s के गाने इतने इनके हिट हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम उसी मेलोडी को जो हम लोग ने की है, जो कि एक बोलते हैं जो टाइम का जो लैप्स होता है वो पास कर गई है, ये गाने 15-15, 20-20 साल पुराने अभी तक और चल रहे हैं ये, तो वो जो मेलोडी का पावर था, ये जो इनकी आवाज़ थी सुंदर जो ऐड करती थी, तो मैं बोला इसी को क्यों ना हम वापस करें। तो शानुदा को गवाया मैंने अलका जी के साथ बहुत टाइम के बाद, तो ये गाने इतने अच्छे लग रहे हैं लोगों को, क्योंकि नॉट दैट कि आजकल का म्यूज़िक अलग है, तो हमने वही मेलोडी लाने की कोशिश की है जो कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की है। सो इट्स वेरी रेयर कि वो जो गाने अब हम रिकॉर्ड किए हैं उसको लोगों ने इतना ज़ोर से पकड़ा है, इतने उसके फीडबैक आए हैं हमको कि ऐसा लगा कि कमाल हो गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रेंकली, बट अनप्रेसिडेंटल लोगों को पसंद आया इसमें। ओके शानू सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने दिए हैं इंडस्ट्री को ऑलरेडी, लिख तो बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ये डिसाइड करना कि कौन सा गाना होने वाला है, तो कौन कौन से गाने सुनने मिलेंगे रिटर्न हमें, अभी जो इस फ्लेम्स में सुनने मिलने वाला है कौन कौन से गाने होंगे? इसमें बेसिकली 3 ही गाने हैं और दादा शानुदा और अलका ने एक डुएट गाना है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और एक गाना इसमें मैंने गाया है और एक गाना अभिजीत ने गाया है। नहीं, पहले कुछ इनको बोलने दीजिए गानों के बारे में। सर आपसे जानना चाहूंगा, क्वेश्चन ही नहीं है इनके पास, क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा है ना, यहाँ नहीं है क्या? ओके सर, सो आज की अगर गानों की बात की करें तो सर ने जैसे कि कहा कि यू नो इट्स नॉट लाइक कि गाने लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्म पहले हुआ करता था आप लोगों के गाने में, वो चार्म कहीं ना कहीं खत्म हो गया, जहाँ पे गाने ज्यादा चलते नहीं है, तो क्या रीजन है इसके पीछे? आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं, ना चलने वाली कौन से गाने की बात? अभी के ये जो लेटेस्ट सॉन्ग्स होते हैं उनके लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, ये लैक ऑफ मेलोडी, लैक ऑफ मेलोडी। और सबसे बड़ी बात है कि गाना आज भी अच्छा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि गाना नहीं बन रहा है, गाना जैसा फुट टैपिंग सॉन्ग जैसा नाचो और गाओ ये गाना भी बन रहा है, और उसमें साथ साथ कुछ गाने ऐसे भी बन रहे हैं जो हिस्ट्री में रह जाएगा, ऐसा भी गाना बन रहा है, तो उनमें से ये एक गाना है जैसा इस तरह के गाने बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहे वो लोग, हाँ ऐसा नहीं कि गाना नहीं बन रहा है। और इस समय का गाना देखिए, मेलोडी कभी नहीं मरेगी, आपको घूम फिर के मेलोडी में आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी क्या है कि लेस क्वांटिटी हो रहा है मेलोडी, बट मेलोडी इज देयर। अभी एक हमारा एक ट्रैक से निकल के अलग ट्रैक चला गया था सब लोगों का, जो हमारे जो जितने भी म्यूजिशियंस है जितने भी सिंगर्स है, तो अभी फिर से वो पाथ में आ रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है, क्योंकि अभी आई एम सिंगिंग, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं जितना भी गाना अभी गा रहा हूँ रेगुलर, कम से कम 8 फिल्म में अभी मैं गाना गा दिया, सारे बड़े फिल्म में, तो वो क्यों गवाएंगे हमको? लाइक करण जौहर, लाइक रोहित शेट्टी, इनका गाना मैंने अभी लाइन से गा दिया, जैसे वरुण धवन, तो ये जो गाने जो है ये गाने अभी सब मेलोडी वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जहाँ मेलोडी वापस आएगा वहाँ पे ये लोग, हम लोग, बाकी लोग सब नज़र आएंगे, डोंट वरी, हम लोग कहीं नहीं गया है, इंटैक्ट है। सो फिर भी यू नो कितने सिंगर्स हैं जो अभी भी डिसअपॉइंटेड है कि कहीं ना कहीं यू नो अभी के म्यूजिक को लेकर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो एकदम कोई नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं, आज के म्यूजिक में देखिए गुड भी होता है बैड भी होता है, उस जमाने में भी जब होता था तो कुछ खराब म्यूजिक भी होता था, अच्छा म्यूजिक भी होता था, तो उस समय क्या म्यूजिक बेटर म्यूजिक का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, खराब म्यूजिक थोड़ा कम था,
अब थोड़ा खराब म्यूजिक ज़्यादा है, बेटर म्यूजिक थोड़ा कम है, यही सब फर्क है और कुछ नहीं है बाकी मुझे, हाँ। मुझे एक और चीज़ लगती है, आजकल के ज़माने में राइटिंग भी थोड़ी लिरिक्स में तो बिखर गई है। लिरिक्स में तो पहले बहुत शायरी, राइटर शायरी हुआ करते थे, मजरू आनंद बख्शी ये बहुत लेजेंडरी लोग थे, उन्हीं के गाने हमने वो शायरी हुआ करता था। देर प्रॉपर उर्दू के साथ वो लोग आए थे एंड उसमें एक हर गाने में एक स्टोरी होता था, हर गाने में एक प्यार मोहब्बत की अलग ही कुछ दिशा देते थे गाने लिरिक्स के जरिए एंड उसके ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे। तो आज थोड़ा लिरिकली डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम नाउअडेज लिरिकली, तो बस ठीक है बाकी तो चल रहा है, ऐसा तो होता ही है हमेशा। देखो जतिन ललित के साथ आज का हमारा आज का एसोसिएशन नहीं है, ये हम आपको बताते हैं कौन सा पहला मूवी था हम लोग, राजू बन गया जेंटलमैन 1991 90 से राजू बन गया जेंटलमैन वाज आवर फर्स्ट फिल्म हिट, लवेरिया हुआ एंड और भी गाने उसमें थे। दादा के साथ तो जितनी पिक्चरें की जितने सारे मैक्सिमम मतलब हिट ही हिट है, इतना मैक्सिमम हिट गाना, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है किसी का जो तो ये दोनों के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू से ही है और चाहे वो जतिन हो चाहे वो ललित हो, ये लोग हमारे बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है एंड बहुत ही हम लोग मजा करते हैं आपस में एंड म्यूजिक जब होते थे तो हम लोग को याद है कि हम लोग झगड़ते थे भी थे बहुत ज़बरदस्त और प्यार भी बहुत ज़बरदस्त होता था, मगर जो झगड़ा होता था वो म्यूजिक के ऊपर हेल्दी है, ये कुछ बोलते कि नहीं मैं इसको ऐसा करूँगा तो हम बोलते थे नहीं इसको थोड़ा ऐसा कीजिए, तो वो बस वही हेल्दी है, हेल्दी हेल्दी था वो झगड़ा, क्या ऐसा झगड़ा नहीं कि तू कौन है मैं कौन हूँ, वो हेल्दी झगड़ा था, क्रिएटिव में होता है, क्रिएटिविटी में। ओके अलका मैम और शानू सर है लेकिन कहीं ना कहीं उदित सर की जो कमी है वो हमें करेगी क्योंकि इनकी इनकी जब इनका जब नाम लिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आते हैं, तो आपने उनके बारे में सोचा नहीं, आपने उनके बारे में, मैंने उनके बारे में सोचना कम कर दिया फ्रेंकली आपको बताता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दिल ज़्यादा मिलने की बात होती है, मेंटल ट्यूनिंग, हाँ मेंटल ट्यूनिंग मेरी डेफिनेटली इनसे बहुत ज़्यादा है और उदित के साथ भी है, मगर उदित थोड़ा अलग टाइप का मूडी आदमी है तो मैं खुद ही दूर रहता हूँ तो मैंने मेरे हिसाब से बहुत लोग दूर रहते हैं। जी बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि कंपोजिशंस जो बना था, आप कंपोजिशंस सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हम दोनों के लिए ही बना हुआ है, तो ही नोज के व्हाट कैन वी डू, तो ये एक म्यूजिक डायरेक्टर का हमारा ट्यूनिंग यही है, ये जानते हैं कि हमसे क्या काम कराएंगे, ये पहले से जानते हैं, तो ये ट्यूनिंग होता है, इसको बोलता है ट्यूनिंग, तो ये चीज़ हम लोगों में है और हम पहले से ही ओवर श्योर था कि ललित मुझे बुलाया गाने के लिए तो मैं ओवर श्योर था गाना मेलेडियस होगा और थोड़ा सा कठिन वटिन हो सकता और है, चाहिए। था। हाँ, और मैं ही चाहिए, नहीं वो चाहिए। मेरे लिए बनाया वो मुझे ही चाहिए होगा, उसको वो किसी और से गवाएंगे क्योंकि मेंटल स्टेटस उस तरह से बन जाता है कि भाई मेरा ये बच्चा है ये सानुदाई गा सकते हैं, सानुदाई गाएगा, तो उस तरह से मुझे मालूम था एंड आके हम लोग जब गाना रिकॉर्ड किया सो वी आर सो हैप्पी दैट डे कि मुझे इतना अच्छा लगा, हम लोगों ने फटाफट उस गाने को रिकॉर्ड किया, फिर रात को एंजॉय किया, बातें किए, मजा किए, तो टोटली इस तरह से गाना हुआ एंड दैट्स व्हाई गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा है। ओके सो आजकल के सॉन्ग्स के बात करें तो यू नो लोगों के टेस्ट सॉन्ग्स को लेकर भी चेंज हो गए, जहाँ पे लोग ज्यादातर पॉप और यू नो देखिये मुझे जो लगता है ना दादा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो वो सुनेंगे जो आप देंगे और हम लोगों को जो फीडबैक आते हैं, पीपल आर क्रेविंग, आई टेल यू द वर्ड क्रेविंग, दे वांट टू लिसन टू गुड मेलोडीज, दे वांट टू लिसन टू द सॉन्ग्स दैट हैव बीन डन इन यस्टरडेज एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप एक चीज सोचिए 90s के प्रोग्राम इतने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये मेलोडी आगे चल के भी फेड आउट नहीं हुई, तुझे देखा तुझे जाना सनम गाना कभी फेड आउट होगा क्या आपको लगता है, इटर्नल हो गए ये गाने, दीज आर ना कल्ट सॉन्ग्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। आपको मेरे को लगता है कि आपको ट्रेंडिंग देखना चाहिए अभी का ट्रेंडिंग, आप यूट्यूब वगैरह सब जाते हैं ना, तो ट्रेंडिंग में आप देखना कि हम किस पोजिशन में है, यू शुड फाइंड दैट, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस पोजिशन में है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्पॉटिफाई करके एक है यहाँ पे जी, तो स्पॉटिफाई मेरे को मैं मेरा मीटिंग था मैं वहाँ गया तो वो लोगों ने मेरे को स्क्रीन पे खोल के दिखाया
कि आपका लास्ट 7 डेज का आप दिखा रहा हूँ हमको कि आपका फॉलोअर कौन कौन सा एज का है और कितना फॉलोइंग है, कितना कुछ है, एकदम पूरा डिटेल्स में लोगों टीवी के में सब रिसेंट सिनेमा में दिखा रहा है, सिनेमा जैसा मतलब वो, बट वो लोग जो कब उनके टाइम पैदा भी नहीं होंगे जब वो गाने, अगर वो इनको फॉलो करोगे आप बिलीव नहीं करोगे, 18 से 27 साल मेरा 56% मेरा फैंस है, 18 से 27 साल, कैन यू बिलीव दिस, एंड 27 से 45 तक का 33%, उसके बाद 18 है, 16 है, फिर नीचे है 8, 6 जो एकदम छोटे छोटे बच्चे, तो ये देखने के बाद ना मैं समझा इंक्रीमेंट होता है कि ये जो हमारे प्रोग्राम में जो लाख लाख लोग आते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम जो हाउसफुल होता है, व्हाट इज द रीजन, एक 18 साल का 20 साल का लड़का आके ऐसे गाने रिक्वेस्ट करते हैं ना, एक 18 साल का लड़का इतना छोटा छोटा दाढ़ी लेके इतना एकदम हरा कलर का बाल ये सब लेके आके मेरे को पूछ रहा है काश के हम वो गाना गाएं। देखिए मैं एक कुमार शानू के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, म्यूजिक जो होता है और जो सिंगिंग होती है ना, सिंगिंग स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ लगनी चाहिए आपको, इनकी आवाज़ में ही वो बात है, जो इमोशन जो ये लेके आते हैं वर्ड्स में और सॉन्ग में, वही बहुत ज़्यादा खासियत है इनकी। एक गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लेवल में पूरा गा दें, उसके डायनामिक्स होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होती है, वो इनमें भर के भरी पड़ी है, और इतनी भरी पड़ी है कि जब गाना गवाते हैं तो ये जो खुद ऐड करते हैं उसमें, दैट प्लेज अ मेजर 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 पार्ट लगा सुना सुना गा दे खामोशिया दिल लबों पे है, ठीक है बिल्कुल, दिल में है बातें कई, हाँ देखिए दिल में है बातें कई, ओ खामोशिया लबों पे है, दिल में है बातें कई, दिल में है बातें कई, देखिए कितना खूबसूरत इनका रेंडिशन है, और ये गाना भी ऐसा लगता है इन्हीं के लिए बना, अभी उदित को मैं कहां से गवा दूं बताइए, जिसके जो गाना होता है उसको ये नसीब, ये नसीब की बात है, आपको जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ ना कोई नहीं छीन सकता, हाँ सो डोंट थिंक अबाउट, जो होता है होने दो। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? बोलो सर, गाना लिखा किसने? ये आलोक रंजन झा ने लिखा है गाना, और झा वन सेकंड अच्छा उदित वाला झा ये सोच रहे मैं मजा कर रहा हूँ। अच्छा आलोक रंजन झा जी ने ये गाने को इतना खूबसूरत लिखा, और अलका जी मैंने तो कंपोजिशंस के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, इतना खूबसूरत कंपोजिशंस है, बहुत दिन बाद एक तसल्ली हुई गा के कि भाई वो लग रहा है कि मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दिन ऐसा लग रहा था कि हम 90s में बैक होके जतिन के साथ ललित के साथ हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस तरह से ललित हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कर रहे हैं, तो एक बड़ा बड़ा खूबसूरत फीलिंग था उस दिन इस गाने के लिए, इसलिए गाना भी अच्छा हुआ आई थिंक, बहुत बहुत अच्छा। हाँ साथ में अलका जी भी थी, हाँ तो अलका जी रहते हैं तो हम लोग हंसी मजाक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, आज नहीं है वो, हाँ अभी आएगी ना, आएंगी शायद, हाँ तो आएंगी, ठीक है, थैंक यू सो मच, मोर देन एनफ, अभी बाकी कुछ करना है तो बोल दीजिए, प्रिंट इंटरव्यू से क्या, प्रिंट इंटरव्यू, प्रिंट इंटरव्यू, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। Thank you.